मैं इस वक्त खड़ा हूँ रामपुर के बिलासपुर मंडी में, और इस मंडी में जो है डिब्बा से जो आए किसान हैं वो एकत्र हुए हैं। ये लोग जो है गाजीपुर की तरफ रुख करेंगे। एक विशाल जो है इन लोगों ने जो है एक मार्च निकाला है, और ये मार्च जो नवरीश सिंह है, जो जिसकी मौत जो है गणतंत्र दिवस वाले दिन जो है दिल्ली में हुई थी, उसी को लेके ये मार्च निकाला जा रहा है। नवरीश को इंसाफ दिलाने की जो है मांग की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं डिप्टी बाजी, मैं उनसे पूछूंगा सर किस तरीके से मार्च निकाला गया है। मेरा नाम संजीव सिंह है, डिप्टी बाजी नजदीक मेरा गाँव है। ये हम एक रोष मार्च जो है, जो पुलिस की गोली लगने से ये लड़का ऊपर पलटा और ये मरा, तो हम ये एक रोष मार्च निकालना चाहते थे और हमने कहते को इंसाफ दिलाना चाहते, इसलिए रोष मार्च निकाल। कहाँ से कहाँ जाएगा ये रोष मार्च और कितने लोग शामिल हो रहे हैं? ये सर इसमें कम से कम 1000 गाड़ी होगी और कम से कम 5000 आदमी होंगे, और ये मझोला, पूरनपुर, सभी जगह पर लोग होंगे, सारे गाजीपुर बॉर्डर पे पहुँचेंगे। तो अब क्या हाई कोर्ट में भी जो है इनके दादाजी चले गए? हाँ जी, हाई कोर्ट में भी रिट दायर करी है ताकि वहाँ से हमें इंसाफ मिल सके। तो इस सरकार से तो हमें इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही, तो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कोई भी जो भी हम वहाँ तक लड़ेंगे। देखिए हमेशा मतलब जिस तरीके से इन लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, तो कहीं ना कहीं लगता है। मैं हम और लोगों से मांग तो वही है, इंसाफ की मांग है। ये तो आंदोलन हमारा चल ही रहा है, जिसका धरना चल रहा है 2.5 महीने हो गए। दूसरा ये नवरी सिंह जो है, इसको इंसाफ मिले। ये जो इसमें हाई कोर्ट में रिट डाल दी गई है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से वो उसमें, हमारा तो साफ कहना है, हम लोग वहीं थे उसे, जिस तरीके से बिजली काटी गई सरकार उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में, इतना बड़ा विशाल प्रदर्शन, पानी बिजली काट दी, तो उत्तेजना हो सकती थी। जो मंसूबे थे वो साजिद के तहत, उसमें कुछ बरगलाया गया लोगों, काफ़ी हद तक 99% तो हमारे लोग सही रास्ते पे गए थे, मौन जुलूस निकाला, दिल्ली वासियों ने स्वागत किया, लेकिन कुछ बरगलाने में भी कामयाब हुए हैं, जिसकी जिम्मेवारी बहुत हद तक सरकार की है। आज जंगल नवरीत के लिए आपने एक विशाल मार्च में शामिल हुए हैं। वो इसके लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ के लिए जा रहे हैं सब लोग, और अपने धरने पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली बॉर्डर पे। वहाँ यहाँ से कितने लोग शामिल हो रहे हैं इस मार्च में? आज है कोई 4-5 हज़ार आदमी जा रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं, सब इकट्ठे होकर जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ? अभी पूरनपुर से लेके काशीपुर, डिब्रुगढ़ से लेके पूरनपुर वगैरह, सब बाजपुर, काशीपुर, सब सब इकट्ठा होंगे, सब एक साथ जा रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से हाईकोर्ट गए उनके दादाजी, एक उम्मीद जागी उनको कि कोर्ट से इंसाफ मिल जाए, तो क्या लगता है आपको किस तरीके से आप लोग इसका फर्क पड़ेगा जो आप मार्च निकाल? बिल्कुल कोर्ट पर तो भरोसा है, अगर कोर्ट ना हो तो कुछ भी नहीं। जो 26 तारीख को जनवरी में शहीद हो गया था, उसके लिए आज सब लोग एक रोष मार्च के तरीके से, और दूसरा सरकार को जागरूक और आम जनता को जागरूक करने के लिए एक महान रैली यहां से लगभग 4-5 हज़ार लोगों की गाजीपुर और दिल्ली बॉर्डर पे जा रही है। और दूसरी बात यह है कि इससे, इस रैली से आम जनता को भी पता लगेगा कि वाकई यहाँ का जो एक किसान था वो शहीद हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि नहीं वो ट्रैक्टर पलटने से गर्म हुआ है, लेकिन हम आपको यह बताना चाहेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और जो जिसने भी उसकी डेड बॉडी को देखा है उससे ये पता लगता है कि उसके साथ पुलिस द्वारा कोई जबर जुल्म जो हुआ है 26 तारीख को, उसमें उसकी गोली द्वारा डेथ हुई है। और उसके लिए हम सब लोगों ने और उनके दादाजी ने भी एक सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी अपील की है कि उनको इंसाफ मिले। उसके लिए हम सब लोग आज रैली में बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये वो किसान हैं जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। आप इन पोस्टरों को देख सकते हैं, इन पोस्टरों में जो है साफ जो लिखा गया है कि विशाल मार्च, यानी नवरीश सिंह जो शहीद हुआ है, ये लिखा शहीद माई नवरीश सिंह की याद में ये जागरूकता रैली, और इसके साथ साथ मार्च निकाला जा रहा है ताकि नवरीश सिंह को जो है इंसाफ मिल सके। और इस जो है रैली में काफ़ी लोग उत्तराखंड, आसपास, रुद्रपुर, बिलासपुर, कई लोग जो है शामिल हो रहा है, और जो है कोर्ट से उम्मीद जताए बैठे हैं कि यह है इंसाफ जो है नवरीश सिंह को मिले, क्योंकि ये लोग यहाँ से अब रामपुर से रुख कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली की तरफ, ताकि इनको एक उम्मीद जागी है कि इनको एक इंसाफ मिल सके। नवरीश
सिंह मामले में जांच बैठ सके, हाई कोर्ट में उसके दादाजी पहुंच चुके हैं मगर अभी तक इंसाफ नहीं मिला, इसलिए इंसाफ के लिए जा रहे हैं। बहरहाल अब आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या कोर्ट से आदेश इसमें देता है जांच के लिए, ये एक अलग बात है। मगर ये लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और जो है यहाँ से मार्च करते हुए दिल्ली के लिए निकलेंगे और वहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। वीडियो नाजिम के साथ अफान अहमद, क्यू टी वी भारत, रामपुर।